हाँ जी बेटा, तो ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में रेडिएशंस एक दूसरे में इतनी ओवरलैप है, इतनी मर्ज है कि देयर इज नो डिस्टिंक्ट बाउंड्री दैट वेयर दिस वॉयलेट इज एंडिंग एंड इंडिगो इज बीइंग स्टार्टिंग। तो रेडिएशंस जहाँ पर डिफरेंट रेडिएशंस की मार्जिन्स में कोई शार्प एंडिंग नहीं है वो कैसे स्पेक्ट्रम है? कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम के बाद हम बात करते हैं किसकी? डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम की। डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या होता है? वापस से इमिशन स्पेक्ट्रम हम स्टडी करते हैं कि NaCl हमने ले रखा था, NaCl को जब हमने इमिट किया तो इसमें कुछ रेडिएशन इमिट की, उन इमिटेड रेडिएशन को हमने प्रिज्म से पास करके फोटोग्राफिक प्लेट पे लिया और उस फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें दो येलो लाइंस मिली सेपरेटेड बाय सम डार्क स्पेस। तो यहाँ पर डेफिनेट मार्जिन आपको दिख रहे हैं, डेफिनेट बाउंड्रीज आपको दिख रही हैं कि ये दो येलो लाइंस हैं, इन दो येलो लाइंस के बीच में जो डार्क स्पेस है तो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं, इसलिए ये स्पेक्ट्रम कैसा है? डिसकॉन्टिन्यूस। तो बेसिकली हमने जो स्पेक्ट्रम पढ़े हैं वो कैसे पढ़े? इमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा एंड डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। आगे जो हम बात कर रहे हैं वो देखते हैं, हम कैसी बात कर रहे हैं। जितने भी एटॉमिक स्पेक्ट्रा हम डिस्कस करते हैं तो नोट लगा के हम एक चीज लिख सकते हैं दैट ऑल एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ऑल एटॉमिक स्पेक्ट्रा आर लाइन इमिशन स्पेक्ट्रास। ठीक है, अब लाइन और बैंड का क्या फर्क है ये भी हम समझ लेते हैं। डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा दो तरह का होता है, लाइन स्पेक्ट्रा एंड बैंड स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा में हमें डिस्टिंक्ट लाइंस मिलती है, बैंड स्पेक्ट्रा में हमें ग्रुप ऑफ लाइंस। तो बेसिकली जितने भी एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा हैं, जितने भी एटम्स के स्पेक्ट्रा हम डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे बेटे कैसा स्पेक्ट्रा होंगे? लाइन इमिशन स्पेक्ट्रास होंगे। ठीक है, अब हम बेसिकली आ जाते हैं ऑन आवर स्टडी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। मैंने बोला हाइड्रोजन एटम है तो सभी एटॉमिक स्पेक्ट्रास किस तरह के होंगे? दे ऑल वुड बी लाइन इमिशन स्पेक्ट्रास, दे ऑल वुड बी लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा। सब चीजें लाइन इमिशन स्पेक्ट्रास की टर्म्स में होंगी। ठीक है, बात देखें हम क्या कर सकते हैं। बात हम कर सकते हैं ये कि लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा की अगर हम बात करें तो क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की बात करें तो क्या कर सकते हैं हम बेटे, इस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस फिल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ वोल्टेज लगा रखा है हमने, यहाँ हाइड्रोजन गैस फिल कर दी, हाइड्रोजन गैस को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस ब्रेक हो जाएगी इंटू एटोमिक हाइड्रोजन, है ना, ये मॉलिकुलर हाइड्रोजन है, ये एटोमिक हाइड्रोजन है, मॉलिकुलर हाइड्रोजन विल गेट ब्रेक इंटू एटॉमिक हाइड्रोजन एंड देन दिस एटॉमिक हाइड्रोजन वुड बी एक्साइटेड टू सर्टेन लेवल। ठीक है, हाइड्रोजन गैस ब्रेक हो जाएगी इंटू एटॉमिक हाइड्रोजन और वो एटॉमिक हाइड्रोजन जो है वो एक्साइट हो जाएगी इंटू एक्साइटेड स्टेट, H2 विल ब्रेक इंटू 2H, दिस 2H विल ब्रिंग हाइड्रोजन एटम इंटू एक्साइटेड स्टेट्स। एक्साइटेड स्टेट्स का मतलब समझते हैं ना कि ग्राउंड स्टेट नहीं है, इनके इलेक्ट्रॉन्स को आपने एनर्जी देके हायर स्टेट्स में भेज दिया। अब उन हायर स्टेट में आके जब ये रेडिएशंस को इमिशन करेंगे, इमिटेड रेडिएशंस आर नाउ स्टडीड, और जब हम इमिटेड रेडिएशंस को स्टडी करेंगे, उनको फोटोग्राफिक प्लेट पर लेंगे, तब जो पिक्चर हमें मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। पिक्चर किस तरह से मिलती है इसको भी समझें आप। ये सपोज हमारे पास ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम की n = 1, ये है n = 2, फिर हमारे पास n = 3, देन वी हैव n = 4, देन वी हैव n = 5, n = 6, फाइनली n = 7। ठीक है, यहाँ पर जब हम बेसिकली ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो सिस्टम की एनर्जी पहले से इंक्रीज, राइट, n = 1, n = 2, 3, 4, 5, 6, 7, सो ऑन, एनर्जी जो है वो बढ़।
पर डे। हमने कहा इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, तो एक्साइट का मतलब ये ग्राउंड स्टेट है, बाकी सारे एक्साइटेड स्टेट है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, एक्साइट होने का मतलब हाई एनर्जी लेवल्स में चला गया। अब उन हाई एनर्जी लेवल्स से एनर्जीज को रेडिएट करता हुआ किसमें आएगा, लोअर एनर्जी लेवल्स में आएगा। ठीक है, हायर एनर्जी लेवल्स में जाता हुआ फिर वापस इसमें आ जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल्स में आ जाएगा। ठीक है, माइंड रेट मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है, सिस्टम n इज इक्वल टू 1 से एक्साइट हो चुका है, हाइड्रोजन का 11 इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट में, यहाँ से रेडिएशन को इमिट करके लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है। कुछ ग्रुप्स ऑफ लाइट हमें मिल रही है, मान लो आपका किसी भी स्टेट में एक्साइट हो गया इलेक्ट्रॉन, किसी भी स्टेट में एक्साइट हो गया, सीधा एक फोटोन इमिट करके जिस भी स्टेट में था एक फोटोन इमिट करके सीधा ग्राउंड स्टेट में अगर गिर रहा है, मान लो एनर्जी इक्वल टू 2 था, एक फोटोन इमिट किया एनर्जी इक्वल टू 1 में आ गया, 3 में आ गया, 5 6 7, ठीक है 7 से 1 में आ गया, कहीं भी था सीधा ग्राउंड स्टेट पे आ गया, उन सभी फोटोन्स को हम एक सीरीज में रखेंगे, उन सभी रेडिएशंस को हम एक सीरीज में रखेंगे और इन रेडिएशंस को हम पर्टिकुलरली एक लाइन कह रहे हैं। तो ये जो लाइन होगी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में हम इसको क्या कहेंगे, लाइमन सीरीज की लाइंस कहेंगे, और ये सब लाइंस की जो वेवलेंथ है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के यूवी रेडियो की जो वेवलेंथ है उसको मैच करती हुई पाई गई है। एन इज इक्वल टू 1 लाइमन सीरीज यूवी रेडियो में आ रहा है। और मान लो अगर कहीं से भी सेकंड स्टेट में आगे गिर सको, यहाँ 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 किसी भी स्टेट से सेकंड में आगे गिरे, तो ये कौन सा सीरीज है, बाल्मर सीरीज। ठीक है, किसी भी स्टेट से यहाँ आगे गिरे वो कौन सा सीरीज है, बाल्मर सीरीज है। किसी भी स्टेट से यहाँ आगे गिरे वो पाश्चन सीरीज है। ठीक है, किसी भी स्टेट से फोर्थ स्टेट में गिरे ब्रैकेट ब्रैकेट सीरीज, फिफ्थ में गिरे तो यूनिट थ्री सीरीज, और अगर किसी भी स्टेट से सिक्स्थ में आके गिरे तो पी सॉरी ये पी फाइव सीरीज, और अगर सिक्स में आगे गिरे तो ये यूनिफ्री सीरीज, राइट। बाल्मर सीरीज की जो रेडिएशन है वो विजिबल रीजन की जो रेडिएशन है उनकी वेवलेंथ को मैच करती हुई पाई गई है, और ये सारी जो है ये पाई गई है मैच करते हुए किसे, आई मैच फोर हाइड्रोजन एटम, माइंडेड फोर हाइड्रोजन एटम। लाइमन सीरीज यूवी रीजन की वेवलेंथ को मैच करती है, बाल्मर सीरीज की रेडिएशंस विजिबल रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ मैच करती है, और बाकी सारे आईआर रीजन। तो बेसिकली क्या किया हमने, समझो कि हाइड्रोजन था, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ब्रेक करके एटॉमिक हाइड्रोजन को लेके आए, एटॉमिक हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स को हमने एक्साइट कर दिया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जब डी एक्साइट हुआ तो उसने कुछ फोटोन्स इमिट किए, उन फोटोन्स को डेफिनेट ग्राउंड लोकेशन के बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया इनटू सीरीज, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफन एंड यूनिफ्री। तो इस तरह से हम रेडिएशंस को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि इस तरह से जो रेडिएशंस हैं वो अलग अलग रीजन्स में जो है वो कंप्राइज कर रहे हैं। मैंने आपको बोहर्स मॉडल में ये बात पहले ही बता दी थी कि रेडिएशन कौन सी रीजन में गिर रही है या कौन सी ट्रांजिशन हो रही है, तो बेसिकली इसमें जो एनर्जी लगने वाली है वो एनर्जी जो है वो दोनों इनिशियल और फाइनल पोजीशंस की एनर्जी डिफरेंसेस के बराबर होगी। तो बेसिकली इसको यहाँ क्या कहा गया है, जरा ध्यान से देखें, जो डेल्टा ई है वो किसके बराबर होगा, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। मान लो एन टू से आपका इलेक्ट्रॉन एन वन में आ रहा है, एक बात तो हमेशा याद रखना N2 हमेशा N1 से ग्रेटर होगा, दूसरा एनर्जी इमिट हो रही है तो ये एनर्जी चेंज कैसा आएगा, एनर्जी चेंज नेगेटिव आएगा। तो बेसिकली डेल्टा E किसके बराबर हो जाएगा, ये जगह माइनस 13.6
into z square by final state n1 square minus minus 13.6 into z square by n2 का square. तो डेल्टा ये बेसिकली क्या आ जाएगा 13.6 into z square by magnitude लेते हैं हम by 1 by n1 square minus 1 by n2 square. मैग्नीट्यूड लिया तो ये नेगेटिव आना था तो साइन मैंने ऑपोजिट कर दिया. ठीक है, अब डेल्टा ई को क्या लिख सकते हो बेटा, एस सी बाय लैम्डा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर. तो ये तो निकलने वाली रेडिएशन की एनर्जी का फॉर्मूला है. लेकिन अगर 1 बाय लैम्डा मुझे निकालना हो तो ये होगा 13.6 बाय एच सी इंटू जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर. ठीक है, अब अगर मैं ये सॉल्व करके लिखूं तो यहाँ पर इस चीज को मैं कांस्टेंट दे देती हूँ, आर कांस्टेंट ही है, 13.6 बाय एचसी कांस्टेंट, आर इनटू जेड स्क्वायर बाय 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर. दिस फॉर्मूला इज नोन एज रिडबर्ग्स फॉर्मूला. इस फॉर्मूला को हम क्या कहते हैं, रिडबर्ग्स फॉर्मूला कहते हैं. और यहाँ पर जो हम कांस्टेंट की वैल्यू यूज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो कांस्टेंट हम यूज कर रहे हैं, हियर कांस्टेंट आर इज नोन एज रिडबर्ग्स कांस्टेंट. और ये जो रिडबर्ग कांस्टेंट है ये क्या है, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स. द वैल्यू ऑफ दिस रिडबर्ग कांस्टेंट इज 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, या कैलकुलेशन से इसको 109700 सेंटीमीटर इनवर्स भी कहा जाता है. तो बेसिकली जो ट्रांजिशन हो रही है उस ट्रांजिशन में एनर्जी डिफरेंस आपने निकाला है तो कैसे निकाल सकते हैं, अगर उस ट्रांजिशन की, उस लाइन की, उस रेडिएशन की या उस इमिटेड फोटोन का वेव नंबर आप निकालना चाहते हो तो वो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, रिडबर्ग्स फॉर्मूला विच सेज 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर. बेसिकली हमने 6 सीरीज की बात की थी, है ना, कौन कौन सी, लाइमन, बार्मर, पाशन, रैकेट, Stefan and Hughes. ठीक है, अब लाइनर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, मतलब लोअर एनर्जी लेवल. अगर लाइनर सीरीज का है तो ट्रांजिशन इस तरह से हो रही है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी एक्साइटेड हो, डीएक्साइट होके कहाँ आ रहा है, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है. तो लाइनर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू बेटा हमेशा क्या रहने वाली है, 1 रहने वाली. इस तरह से बारों के लिए 2, पाशन के लिए 3, 4, 5, 6, सो ठीक है. n2 की वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, n2 की वैल्यू 2 से शुरू हो सकती है, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिट. यहाँ पर 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिट, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी, यहाँ पर 5, 6, 7 अप टू इन्फिनिटी, 6, 7, 8 अप टू इन्फिनिटी, 7, 8, 9 अप टू इन्फिनिटी. मतलब n2 की वैल्यू कुछ भी आप दे सकते हो अप टू इन्फिनिटी. n1 की वैल्यू जो है वो यहाँ पर क्या हो सकती है, 1, 2, 3. ठीक है, अगर मैं बोलूँ फर्स्ट लाइन ट्रांजिशन, है ना, फर्स्ट लाइन तो नियरेस्ट एनर्जी, फर्स्ट लाइन ट्रांजिशन कौन सी हो गई, 2, 2, 1. यहाँ फर्स्ट लाइन ट्रांजिशन कौन सी हो गई, 3, 2, 2. यहाँ फर्स्ट लाइन ट्रांजिशन कौन सी हो गई, 4, 2, 4, 2, 3. यहाँ 5 to 4, यहाँ 6 to 5, यहाँ 7 to 6. नियरेस्ट एनर्जी फर्स्ट में गिरना है, तो फर्स्ट लाइन का मतलब नियरेस्ट, मतलब 2 से 1 गिर रहा है, सेकेंड लाइन का मतलब 3 से 1 गिर रहा है. ठीक है, फिर एक टर्म आते हैं यहाँ पे लास्ट लाइन. लास्ट लाइन में बहुत सारे लाइन है, नाम है लास्ट लाइन, लिमिटिंग लाइन, या इसे मार्जिनल लाइन, लास्ट लाइन, लिमिटिंग लाइन या मार्जिनल लाइन भी कहते हैं. और इसके लिए जो ट्रांजिशंस हैं वो क्या है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हो, क्योंकि इन्फिनिटी से आगे लास्ट लाइन, इन्फिनिटी से 1 आ रहा है. बाबर के लिए लास्ट लाइन इन्फिनिटी से 2, इन्फिनिटी से 3, इन्फिनिटी
लास्ट लाइन, सेकंड लाइन, मतलब फर्स्ट लाइन का मतलब होगा नियरेस्ट एनर्जी की लाइन, वहाँ पर नियरेस्ट ट्रांजिशन। सेकंड लाइन का मतलब होगा उसके बाद की ट्रांजिशन। थर्ड लाइन का मतलब होगा और उसके बाद की ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है समझने के लिए। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इससे कैसी आती हैं वो हम देखते हैं।